Good morning to all of you. Today we are discussing a new topic, international business environment, and this is the topic for your from your unit 5th. So now let's start. So what is the means of international business? Okay, so international business environment. So this the word is made by the three words, like international, business and environment. Okay, so what the meaning of international, and what the meaning of business, and what the meaning of the environment? So there are the three different meanings. Okay, so now we come from the international. So international means that the buying and selling of the goods and services across the border. Okay, across the border means हमारी जो country है उसके कुछ limitations है. तो cross border पे जो भी transactions होते हैं, this is known as the international. हम buying और selling करते हैं किसके goods and services की. तो अगर हम केवल एक ही अपने ही countries में कर रहे हैं तो that is the national business. Okay, but अगर हम ये across the border जाके ये काम कर रहे हैं तो that is the international. Okay, and what is the meaning of business? So business is an economic activity that is mainly depend upon the profit. ये मैंने आपको बहुत बार समझाया है ये business का definition, क्योंकि आपका हम जो पढ़ रहे हैं वो business environment ही है. तो business environment में business का definition, environment का definition we have to discuss so many time. राइट ना. एंड व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ environment? तो environment होता है हमारा कि environment means the surrounding conditions of business. Okay, business की जो भी surrounding condition होती है that is known as the business environment, जो हमारे business को क्या करती हैं, affect करती हैं. So अगर हम अगर अब बात करते हैं international business की, तो हमारी international business क्या कहलाया? अब हमारा international business कहलाया कि the international business means that the surrounding condition which are effect of economic activity and which are running across the border. Okay, to the buying and selling of goods and services across the border. अगर हम सेल करते हैं या कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, हम अपने देश से अलग दूसरी कंट्रीज में जाके कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ हम खरीद रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं, तो दैट इज़ द मीन्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. ओके, तो ये हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का डेफिनेशन होता है जो कि आपको लिखना है. राइट, तो इंटरनेशनल बॉर्डर आर अक्रॉस बाय द इंटरप्राइज टू एक्सपेंड देयर बिजनेस. ओके, एक्टिविटीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन एंड द ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन. इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप अपने नेशनल बॉर्डर में करते हो, इस तरीके के बिजनेस आप अगर अपने नेशन वाइड करते हो, यही तरीके की एक्टिविटी आप क्या कर सकते हो, इंटरनेशनली कर सकते हो. नाउ वी मूव ऑन द व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ ट्रेड. ट्रेड मीन्स लाइक अ बिजनेस. ओके, ट्रेड और बिजनेस आपका सेम मीनिंग ही होता है. ट्रेड मीनिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन नीड. ह्यूमन नीड के रिगार्डिंग, ठीक है, लोगों के सेटिस्फैक्शन के थ्रू आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. व्हेन ट्रेड इज कन्फाइंड टू द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री, इट इज़ अ डोमेस्टिक और नेशनल ट्रेड. अगर आपका बिजनेस जो होता है वो आपके नेशन में ही होता है, आप अपने जियोग्राफिकल लिमिट्स में ही हो, आप अपने जियोग्राफिकल कंट्रीज में ही, अगर अपने जियोग्राफिकल लिमिट्स में ही बिजनेस कर रहे हो, तो दैट इज़ द मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, एक डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हो. ठीक है, एक डोमेस्टिक बिजनेस को आप क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो. इंटरनेशनल और फॉरेन ट्रेड रिफर्स टू द ट्रेड बिटवीन टू कंट्री. इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड क्या कहलाता है, कि जब आप बिजनेस कर रहे हो बिटवीन द टू कंट्रीज, टू कंट्रीज के बीच में जब आप बिजनेस करते हो, तो वो आपका बिजनेस क्या कहलाता है, इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है या फॉरेन ट्रेड कहलाता है. ओके, टेक्निकली डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड आर मोर और लेस आइडेंटिकल एंड आर बेस्ड ऑन द सेम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड. ये दोनों जो ट्रेड हैं, आपके डोमेस्टिक ट्रेड और आपका इंटरनेशनल ट्रेड, ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड हैं, इनके थोड़े से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इनके. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस. अब डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस इन करेंसी, ऑफकोर्स डिफरेंस इन करेंसी, दोनों की ही करेंसी में डिफरेंस होता है. आप देखते हो कि यहाँ पे आपका रुपीस चलता है, आप कहीं अदर कंट्रीज में जाओगे तो कहीं यूरो चलता है, कहीं डॉलर चलता है या यान चलता है. तो करेंसीज आपके क्या क्या कैसे होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. द डिफरेंस इन नेचर एंड जियोग्राफिकली कंडीशन, ऑफकोर्स यहाँ का आपका नेचुरल रिसोर्सेज कुछ अलग हैं, जियोग्राफिकली कंडीशंस अलग हैं, इंडिया के अदर कंट्रीज़ के अलग होंगे.
एंड मोबाइलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके से आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये भी डिफर करता है आपका कंट्री टू कंट्री. ओके, सोवरली इन पॉलिटिकली एंटिटीज, आपके पॉलिटिकल एंटिटीज की जो भी पावर है, जो भी अथॉरिटी है, वो भी आपके डिफर करता है कंट्री टू कंट्री. यानी डोमेस्टिक में आपके अलग पॉलिटिकल एंटिटीज होंगे और पॉलिटिकल पार्टी अथॉरिटीज होंगे, और आपके इंटरनेशनली अगर आप जाओगे तो जो भी आपको लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कि आप रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग पॉलिसी होती है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्टअप करने से लेके, वो सारी चीज़ें आपकी अदर कंट्रीज में अलग अलग होती हैं. ओके, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट. सो दैट द पोजीशन ऑफ टैरिफ एंड कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट. आप यहाँ पे आपके कस्टम्स ड्यूटी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया में डिफरेंट टाइप से होंगे, और आप अदर कंट्रीज में जाओगे तो आपके सारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज वगैरह अलग होंगे. क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लाइक द कोटाज, एक्सचेंज कंट्रोल, ये भी आपका डिफर करेगा. इम्पोजिशन ऑफ द मोर लोकल टैक्सेस, आपके टैक्सेस भी आपके डिफर करेंगे. ठीक है, तो और डिफरेंट लीगल सिस्टम आपके दोनों ही कंट्रीज में, अगर आप डोमेस्टिक की बात करो या इंटरनेशनल की बात करो, हर एक कंट्री का अपना अलग एक क्या होता है, लीगल सिस्टम होता है. ओके, सो द नेचर ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो टू रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन वन कंट्री. ओके, तो ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ये ट्रांजैक्शन किस में इन्वॉल्व होते हैं, एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में होते हैं. ओके, अब एक ही कंट्री में होंगे तो वो तो आपका क्या हो गया, वो तो आपका नेशनल बिजनेस हो गया ना, डोमेस्टिक बिजनेस हो गया. सो दैट की ट्रांजैक्शन तभी होगा आपका जब एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज में आप बिजनेस कर रहे हो, तभी वो आपका क्या कहलाता है, इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है. तो ये आपके इंटरनेशनल बिजनेस का क्या होता है, नेचर होता है. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट. इट मे कैरीड ऑन बाय इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट. तो ये चीज़ कौन कर सकती है, मींस के ट्रांजैक्शंस आपके गुड्स का, गुड्स आपका कौन कौन कर सकता है, आपका इसमें इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं, आपके गवर्नमेंट भी कर सकती है. ठीक है, तो ये इंटरनेशनल, तभी ये आपका क्या कहलाया जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस कहा जाएगा. अब इट इंक्लूड ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, स्किल, पीपल, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड द अदर रिसोर्सेज. अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है आपके, तो आपके इसमें इंक्लूड होता है जब आप ट्रांसफ़र करते हो, आप किसी नॉलेज या स्किल का ट्रांसफ़र कर रहे हो, या आप पीपल का, आप अगर टेक्नोलॉजी का कर रहे हो, कैपिटल इंफॉर्मेशन कर रहे हो, या आप कुछ अदर रिसोर्सेज कर रहे हो, अदर रिसोर्सेज के आपके ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आप अदर सेल आउट कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, तभी आपकी ये चीज़ें क्या कहलाएंगी, इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा. द पर्पस इज़ टू सेटिस्फाई द कस्टमर. यहाँ आपका जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि कस्टमर को आपको क्या करना है, एनी हाउ सेटिस्फाई करना है. आपका जो भी कस्टमर है वो आपको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है. ठीक है, तो ये आपके नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है. अगर हम इसके बाद आगे बात करते हैं, तो इसमें कुछ आपके ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. तो अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, और अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात करते हैं, तो क्या क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स. अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात कर रहे हैं, अगर हम नेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे आपके, द फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव इज़ द प्रॉफिट मेकिंग. कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हमारी तभी कंफर्म होती है या कभी चलाता है कोई भी एंटरप्रेन्योर, बिकॉज उसका मेन मोटो होता है क्या, प्रॉफिट मेकिंग एंड द कस्टमर सेटिस्फेक्शन आल्सो एंड द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी आल्सो. सो दीज आर द थ्री मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डोमेस्टिक बिजनेस. बट अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, तो इंटरनेशनल बिजनेस में क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट में. सो इंटरनेशनल, कोई इंटरनेशनली कब जाएगा भाई, उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, अपने यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, तो कोई इंटरनेशनली आपका कब मूव करता है, तो वो मूव तब करता है जब उसको प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है. तो यहाँ पे भी अगर आप देखो, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव हो गया इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट का भी, राइट ना. और अगर हम देखें, तो अगर वो प्रॉफिट कब अर्न करेगा, किसी कोई कस्टमर है वो प्रॉफिट कब ले सकता है या कब अर्न कर सकता है, जब कस्टमर उससे सेटिस्फाइड हो उसके प्रोडक्ट से.
और कस्टमर का उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप हो, तो कस्टमर जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक वो अपना प्रॉफिट तो इंक्रीज नहीं कर सकता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. सो दैट इज़ द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट. एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ, जब कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसके पास में प्रॉफिट अर्न हो जाएगा, तो वो थर्ड क्या करेगा, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही काम करेगा. सो आप देख सकते हो क्या, चाहे आप डोमेस्टिक बिजनेस में रन कर रहे हो, चाहे आप इंटरनेशनली बिजनेस में आप रन कर रहे हो, आपके दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं, राइट. द बेसिक डिफरेंस इज दैट कि आपका आपके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो डिफर करते हैं. जैसे हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा कि आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर आपके डिफर करते हैं, आपके पॉलिटिकल फैक्टर आपके डिफर करते हैं, आपके सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टर्स आपके डिफर करते हैं, बट जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके आपके डोमेस्टिक नेशन के और आपके इंटरनेशनल नेशन के, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के, ये आपके क्या होते हैं, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स आपके सेम होते हैं. ओके, सो नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट. तो हेल्प इन एक्सपेंशन, ऑफकोर्स इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट आपको किस में हेल्प करता है, आपके एक्सपेंशन में हेल्प करता है. आप जैसे अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करे, आपने इंडिया में बहुत सारे उसके फ्रेंचाइजी खोल रखे हैं और इंडिया में तो वो बहुत अच्छा चल ही रहा है, मैं एक डोमेस्टिक कंट्री की बात कर रही हूँ, बट अगर आप चाह रहे हो कि ये हमारा इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा ग्रो करे, सो आप एक्सपेंशन कर सकते हो. इसलिए आप इंटरनेशनल बिजनेस आपका क्या करता है, इसमें आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में बहुत ज़्यादा आपकी क्या करता है, मदद करता है. जियोग्राफिकली एक्सपेंशन में बी यूज एज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी. इसको आप किस तरीके से अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज के थ्रू आप यूज करते हो, इवन थ्रू कंपनीज मे एक्सपेंड देयर बिजनेस एट होम, राइट. हेल्प इन मैनेजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है. अब ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की भी आपको क्या करता है, हेल्प करता है मैनेज करने में. एवरी प्रोडक्ट हैज़ टू पास थ्रू द डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. आपको पता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो होती है आपकी, फोर स्टेजेस होती हैं किसी भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की. व्हेन द प्रोडक्ट रीच द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन प्रेजेंट मार्केट, इट मे गेट द प्रॉपर रिस्पॉन्स एट अदर मार्केट्स. क्लियर. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, द टेक्नोलॉजिकली एडवांटेजेस, ठीक है. देयर आर द टेक्नोलॉजिकली एडवांटेजेस कि सम कंपनीज हैव अ आउटस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी एडवांटेज थ्रू द विच दे इंजॉय कोर कॉम्पिटेंसी. ओके, दिस टेक्नोलॉजी हेल्प्स द कंपनी इन कैप्चरिंग द अदर मार्केट्स. अगर आपके टेक्नोलॉजिकली एडवांटेजेस को भी आप पाने के लिए अदर मार्केट में क्या करते हो, आप एक्सपेंड करते हो अपने बिजनेस को, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आप को मिलती है इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट में. अगर आप जाते हो तो आप अपने प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, आप अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हो. अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज, ऑफकोर्स फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने के लिए भी आप इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में आप चाहते हो. हेल्प इन म्यूचुअल ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स. अगर हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो प्रॉब्लम इन इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, आपकी कंट्रोलिंग द मार्केट की प्रॉब्लम आती है, आपका इम्पोर्टेंस टू लग्जरी की प्रॉब्लम्स आती है, आपको ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, शिफ्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है. तो दीज आर द सम प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो जब आप अपने बिजनेस को कहाँ लेके जाते हो, इंटरनेशनली लेके जाते हो, राइट.